बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर. ओके, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर तो हम आज पढ़ेंगे. कैसे? एक है वाई स्कूल बैग्स वाइड स्ट्रैप्स. आपने देखा होगा कि आपके स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाइड होते हैं. क्यों होते हैं, कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो क्या करेगा, लार्ज एरिया जो होगा ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर. ठीक है, अब जब उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, अब स्टेप्स बड़े हो जाएंगे, स्टेप्स बड़े हो गए तो इस मतलब कि उसका क्या हो गया, एरिया बड़ा हो गया. एरिया जब ज़्यादा होगा तो उसमें क्या लगेगा, प्रेशर कम लगेगा. और इसकी वजह से, प्रेशर की कम लगने की वजह से क्या होगा, वो आसानी से कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं स्कूल बैग, है ना. इसी तरह से आपने देखा होगा कि पॉटर्स जो होते हैं, कभी आपने देखा होगा पॉटर्स जो होते हैं वो क्या, बहुत सारा सामान एक के ऊपर रख के ले जाते हैं, है ना. लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो थिक एंड राउंड पीस ऑफ क्लॉथ यहाँ अपने हेड में रख लेते हैं. ठीक है, क्यों क्यों रखते हैं वो, कि जो इसका प्रेशर है वो एक ही जगह में ना आए, तो क्या कर जाए, वो एरिया बढ़ जाता है. जब एरिया बढ़ जाता है तो क्या होगा, प्रेशर उनको कम लगेगा हेड में. ठीक है, तो इस तरह से आपने घर वहाँ देखो, कभी कभी बस में जाते हुए भी देखा होगा कि पुराने जो लोग होते हैं वो अपने सर में सामान लेके जाते हैं, है ना. तो वो भी क्या करते हैं, ये इस तरह से एक टुकड़ा कपड़े का ठीक है राउंड पीस को, उस कपड़े को क्या करते हैं, राउंड करके अपने सर में रखते हैं और फिर उसके बाद अपने सर में क्या रखते हैं, सामान लेकर इधर उधर जाते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट है वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ. ठीक है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि ब्लंट नाइफ से क्या होता है, आसानी से कट नहीं होते वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, शार्प नाइफ से जल्दी से कट हो जाते हैं. क्यों? जो उसका जो शार्प नाइफ है द वेरी थिन एज, थिन होगा ना उसका एज, तो एज जब थिन होगा तो क्या होगा, वो स्मॉल एरिया में क्या करेगा, स्मॉल एरिया में जाएगा. स्मॉल एरिया में जब पड़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा. जैसे ही प्रेशर वो सॉरी प्रेशर ज़्यादा लगेगा और क्या होगा, वो आसानी से कट हो जाएगा वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स. इसी तरह से नेक्स्ट है वाई द टिप ऑफ नेडल इज़ अ शार्प. जो तुमने देखा होगा कि नीडल की टिप हमेशा क्या होती है, शार्प होती है. क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, द टिप ऑफ स्विंग नीडल इज शार्प, सो दैट ड्यू टू इट्स शार्प टिप. ठीक है, अब जो नीडल में क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा. क्यों? क्योंकि क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें क्या, स्मॉल एरिया जिसकी टिप क्या है, बहुत शार्प है. ठीक है, और क्या होगा, वहाँ पर स्मॉल एरिया में लगेगा, स्मॉल एरिया में लगेगा तो क्या होगा, लार्ज प्रेशर होगा. प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो वो आसानी से क्या करेगा, स्टिच कर सकता है क्लॉथ को. ठीक है ना. नेक्स्ट है प्रेशर एग्जर्ट्स बाय लिक्विड्स. लिक्विड्स में कैसे एग्जर्ट होता है प्रेशर, ऑल द लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. ठीक है, तो जो कंटेनर में भी आपने क्या वाटर रखा है, लिक्विड रखा है, तो ये जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, चारों तरफ वॉल के, इसके चारों तरफ क्या लगाता है, बॉटम में भी लगाएगा और इसके वॉल्स में भी लगाएगा प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन डेप्थ इन अ लिक्विड. ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड करता है कि लिक्विड में क्या होगा, जो डेप्थ, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा. ठीक है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड. ठीक है, तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट करके कैसे पता, कैसे सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर वो कहाँ लग रहा है, डेप्थ में लग रहा है. ठीक है, जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा प्रेशर. ठीक है, वैसे ले लीजिए जैसे, ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हो. फैंटा की बॉटल ले लो. ठीक है, फैंटा की बॉटल में एक यहाँ पर होल्ड करो, फिर उसके थोड़ा नीचे होल्ड करो, फिर एक उस सबसे नीचे होल्ड करो तक. ठीक है, उसमें मार्क कर दो ए बी सी. ठीक है, अब उस वहाँ पर क्या करो, पहले तो उसको बंद करके कॉर्क लगा लो. कॉर्क आपके पास नहीं हो तो यहाँ पर प्लास्टिक का कुछ लगा लो इधर. ठीक है, और उसके बाद उसको वाटर से फिल कर दो. जैसे ही वाटर से फिल करोगे, एक साथ ये सारे जो आपने प्लास्टिक का इसको आपने बंद किया होगा कॉर्क से या प्लास्टिक से, उसको एकदम से हटा दो. ठीक है, आप तो आपको ये दिखाई देगा कैसे, ये देखो लिस्ट डेप्थ हो, यहाँ प्रेशर यहाँ पर आएगा, ये इसका थोड़ा और ज़्यादा, जो सबसे लास्ट वाला है वो क्या है, सबसे दूर जा रहा है ना, तो मतलब कि ग्रेटेस्ट डेप्थ है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट प्रेशर लगेगा. तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना और मुझे बताना भी कि किस किस बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, आप कमेंट में मुझे लिख के बताना कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और क्या किस किस बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, कमेंट में लिख के बताना. ओके,
प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, ठीक है। तो गैसेस क्या करते हैं, ऑल द गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स, ठीक है, चारों तरफ लगाती हैं, लगाते हैं कि नहीं। अब जैसे ये आप एक्सपेरिमेंट किया बैलून के साथ कर सकते हो, जैसे ही आप बैलून फुलाते हो तो इनफ्लेट कब होता है, जब आप उसमें क्या करते हो गैस फिल करते हो, है ना। तो हाई एयर प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ बैलून कॉजेज इट टू एक्सपेंड एंड गेट इन्फ्लेटेड, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है या फूल जाता है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस, ठीक है। तो हमारी जो ऊपर जो क्या है एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो उसके कारण क्या लगता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, उसको क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक, एक प्रेशर लगता है उसको क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो चारों तरफ लगता है, ठीक है। अब अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कहाँ लगता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, एट द सी लेवल में, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ अगर देखेंगे तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो होता है, ठीक है, जब आप क्या करते हो, क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, है ना, स्ट्रॉ से, तो वो जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो होता है वर्क्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये इस तरह से जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण ही क्या होता है, हम सब करते हैं तो क्या एयर प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड एयर, और यहाँ पर क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर आ जाता है और क्या होगा, स्ट्रॉ से हम आसानी से पी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सिरिंज जो होता है, सिरिंज ये इस तरह से सिरिंज, तो जैसे सिरिंज तो वो भी हो गया जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी एक सिरिंज हुआ, तो द सिरिंज वर्क्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से ड्रॉपर आप देखो, ठीक है, ड्रॉपर देखो, ड्रॉप ये देखो ड्रॉपर, ड्रॉपर भी क्या करता है, क्या ड्रॉपर वर्क्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। ये देखो रबर सकर, ये क्या कहते हैं, इस तरह से वॉल में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस ऑन रबर सकर, और ये यहाँ पर क्या होता है एयर एट लो प्रेशर, और यहाँ पर ये क्या अटक जाता है, ठीक है, चिपक जाता है एक तरह से। ये आपने बहुत बार देखा भी होगा, रबर सकर आर यूजुअली यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सक्शन, ठीक है। तो इस तरह से रबर सकर ये इस तरह से क्या दीवार में इसको चिपक जाता है, ठीक है। आपने कार्टून में देखा होगा ऑगी और सिंचैन में, है ना, वो टॉयलेट्स को क्या उसको उसमें देखा होगा आपने कि वो क्या करते हैं सक्शन पंप से यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है ना, कार्टून में देखा होगा। और आजकल तो आप कार्टून पार्टून का तो कुछ देखते नहीं हो, गेम वेम खेलते होंगे, है ना, लेकिन इससे पहले जब छोटे रहे होंगे तो देखा होगा आपने ऑगी सिंचैन, है ना, सिंचैन तो अभी भी देखते होंगे, मैं तो देखती हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सिंचैन देखने में, ऑगी देखने में भी बहुत मज़ा आता है ना। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।